मणिपुर के दजुकोऊ घाटी में पिछले कई दिनों से आग लगी है। आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। आग पर काबू करने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर दजुकोऊ घाटी में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। इस आग में काफी पेड़ जलकर खाक हो गए हैं और वक्त के साथ ये आग और भयंकर होता जा रहा है। अब ये धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा है और दजुकोऊ घाटी में लगे आग पर काबू। और एक बड़ी खबर, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर संगीन आरोप लगा है। जॉर्जिया के अधिकारियों को फोन पर धमकी देने का आरोप है। चुनाव रिजल्ट बदलने के लिए अधिकारियों को धमकी देने का आरोप लगा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज भारतीय झंडा लगाया जाएगा। एक विशेष समारोह के दौरान भारत के साथ साथ चार नए अस्थायी सदस्य देशों के झंडे भी लगाए जाएंगे। भारत के सशक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दो साल के लिए अस्थायी सदस्य बनते ही तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्ति तिरंगा फहराएंगे। इस अवसर पर समारोह में संक्षिप्त संबोधन भी देंगे। नॉर्वे और केनिया भी नए अस्थायी सदस्य हैं। नए अस्थायी सदस्य देश में आयरलैंड, मैक्सिको भी है। भारत अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा और फिर 2022 में एक महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करेगा। परिषद का अध्यक्ष हर सदस्य एक महीने के लिए बनता है, जो देशों के अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के अनुसार तय किया जाता है। कोरोना वायरस को लेकर हर दिन नई खबरें सामने आ रही हैं। अब एक रिसर्च से यह पता चला है कि अगर कोरोना की नई स्ट्रेन का म्यूटेशन बरकरार रहा तो इसका नियंत्रण मुश्किल होगा। ब्रिटेन में मिली कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन के जेनेटिक कोड में 23 बदलाव पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बदलाव वायरस को और ज्यादा संक्रामक बनाता है। एक स्टडी के मुताबिक कोरोना के नए स्ट्रेन से युवाओं पर खतरा बढ़ा है। कोरोना का नया रूप काफी खतरनाक है। नए रूप में कोरोना ज्यादा संक्रामक हो गया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम समेत कई यूनिवर्सिटी की स्टडी में सामने आया कि नए रूप वाला वायरस को लॉकडाउन से रोकना भी मुश्किल होगा। बताया जा रहा है कि अगर कोरोना की नई स्ट्रेन का म्यूटेशन बरकरार रहा तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज है अमेरिका से ही, जहां कोरोना की वजह से 3.5 लाख लोगों की मौत की जानकारी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। कोरोना से कैलिफोर्निया में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। कैलिफोर्निया के अस्पताल कोविड मरीजों से भरे हुए हैं। तो अमेरिका में कोरोना से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। कैलिफोर्निया में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि अब लोगों से ब्लड डोनेशन करने की अपील की जा रही है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अमेरिका में कोरोना से हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। कैलिफोर्निया के अस्पतालों में बेड्स की कमी पहले ही हो चुकी थी, अब गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अभी कैलिफोर्निया में लोगों से ब्लड डोनेशन की अपील की गई है। कैलिफोर्निया में अमेरिकी आर्मी की हेल्थ यूनिट तैनात कर दिया गया है। कैलिफोर्निया में हालात हर दिन खराब हो रहे हैं। कैलिफोर्निया की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा नेशनल गार्ड और अमेरिकी आर्मी की हेल्थ यूनिट को तैनात कर दिया गया है। पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।